आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले दो दिन से आप टीवी पर देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस आप, मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद, आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। आप भी किसी का फोड़ आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।